बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्ट्रेसेस की हर अदा पर लोग जान लुटाते हैं, फैंस को उनकी अदाएं घायल करती हैं। हालांकि कई बार किसी न किसी वजह से उन्हें लोगों की तरफ से खरी खोटी सुनने को मिलती है। ऐसे में आज हम आपको उन अदाकाराओं के बारे में बताने वाले हैं जिन्हें लोगों की तरफ से घमंडी का टैग मिल गया। इनमें कियारा आडवाणी से लेकर अंकिता लोखंडे, करिश्मा तन्ना, निया शर्मा तक का नाम शामिल है, जिन्हें कभी न कभी लोगों की तरफ से अपने लिए घमंडी शब्द सुनने को मिला। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एनएन बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। इसके साथ ही आपको यहां दिख रही घंटी भी बजानी है ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इसमें सबसे पहले नंबर पर हैं कियारा आडवाणी। कबीर सिंह, शेरशाह जैसी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से फेमस हुई कियारा आडवाणी की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। वो जहां भी पहुंचती हैं वहां उनकी तस्वीरें लेने वालों की भीड़ लग जाती है। लेकिन एक बार मीटिंग में लेट होने की वजह से कियारा ने पैपराजी को पोज नहीं दिया था, जिसके चलते उन्हें घमंडी होने का टैग दे दिया गया था। एक्ट्रेस ने खुद ये किस्सा लोगों के साथ शेयर किया। अगला नंबर है अंकिता लोखंडे का। टीवी के मशहूर सीरियल पवित्र रिश्ता से घर घर में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली अंकिता को भी घमंडी कहा जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकिता के चलते ही आशा नेगी ने शो छोड़ दिया था। खबर थी कि दोनों के बीच अनबन भी हुई थी। अगला नाम करिश्मा तन्ना का है। एक्ट्रेस करिश्मा तन्ना फिलहाल अपनी शादी को लेकर सुर्खियों में बनी हुई है। उनकी शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है, लेकिन एक समय पर एक्ट्रेस को घमंडी कहा जाने लगा था। रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा अक्सर मीडिया के साथ अनुचित व्यवहार करती दिख जाती थी। इसके अलावा बिग बॉस के घर में भी लोग उनके इस व्यवहार से परेशान हुए थे, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थी। निया शर्मा, टीवी इंडस्ट्री में अपने नाम का सिक्का जमाने वाली निया शर्मा इस समय लोगों के बीच काफी फेमस हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निया पर भी घमंडी होने का टैग लग चुका है। दरअसल उनके शो जमाई राजा के दौरान खबरें आ रही थी कि उन्होंने रवि दुबे से काफी झगड़े किए थे। हालांकि फिलहाल वो अपने झगड़ों को पीछे छोड़कर दोस्त बन गए हैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और आप कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।